आप मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बाढ़ की। पिछले साल प्रलयकारी बाढ़ की यादें अभी धूमिल भी नहीं हुई थी कि इस साल फिर से बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। यहाँ मानसून की पहली बारिश में ही बेतिया में नदियां अपने उफान पर आ गई हैं। तेज बारिश की वजह से पंडई नदी में पानी लबालब भर गया है। नदी में अचानक पानी आने से बेतिहरवा पंचायत के श्रीरामपुर गाँव के 3 चरवाहा नदी के बीच धारा में फंस गए हैं। इन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ टीम को बुलाना पड़ा है। नदी की धारा इतनी तेज थी कि धारा को टर्न करने के लिए बनाए गए बांध भी टूट गया बांध, और इसकी वजह से भितरवा गांव के पास कटाव शुरू हो गया है। तो तस्वीरें देखिए कि कैसे पंडई नदी के धार में फंसे हैं 3 भाई, और इनको बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंची, लेकिन बांध बनाया गया वो भी टूट गया। प्रफुल्ल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। प्रफुल्ल, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी अनूप, मैं आपको बता दूं कि कल रात से ही यहाँ बारिश शुरू हो रही है, और बारिश इतनी तेज बारिश है कि जितनी भी नदियां हैं सीमावर्ती नेपाल की सीमावर्ती जितनी भी नदियां हैं, पंडई नदी हो, कांगड़ी नदी हो, हरहा हो, हरबोरा नदी, बलोर नदी, सभी नदियां अपने उफान पर हैं। और इसमें सबसे ज्यादा तबाही जो है वो पंडई नदी ने मचाया है, और उसके पंडई नदी के पास स्थित जो बेतिहरवा पंचायत है और बेतिहरवा पंचायत के जो श्रीरामपुर गांव है वो 2 गांव पूरी तरह से चपेट में है। अभी अभी खबर मिले कि मुरली भरा हुआ गांव है जो पंडित राजकुमार शुक्ल का गांव है, वो नदी के पानी के तरफ चारों तरफ से घिर गया है। उसके गांव में जो भी लोग हैं वो फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि चलाया जा रहा है, लेकिन एक ही एनडीआरएफ की टीम अभी तो वहां पहुंची है, और प्रशासन में वीडियो मौजूद है, वहां पे थानाध्यक्ष मौजूद है। काफी अफरा तफरी का माहौल है वहां पे, और पानी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और नदी जो है वो लगातार कटाव कर रही है। श्रीरामपुर गाँव को बचाने के लिए एक बांध बनाया गया था, उस बांध पर भी दबाव है, कई जगह से बांध कट चुका है। पानी की तेज धार जो है वो गांव की तरफ बढ़ रहा है, और गांव वालों में बेचैनी है, दहशत में है लोग। प्रशासन हालांकि दावा कर रही है कि सभी ग्रामीणों को बचा लिया जाएगा, लेकिन अभी अभी जो खबर मिल रही है कि मुरली भरा हुआ गाँव जो है वो चारों तरफ से नदी के पानी से घिर गया है, और गांव के लोग उसमें फंसे हुए हैं। प्रफुल्ल, कितने लोग होंगे गांव में जिनको बचाने की कोशिश की जाए?